मार्केट में नए ताजी और हरी मटर आ गई है, तो हमने सोचा क्यों ना हरी मटर से नई नई रेसिपी बनाया जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का कोमल किचन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर की बिल्कुल नई रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप मटर लिया है, ये फ्रेश मटर है, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हो, आपके पास फ्रोज़न मटर हो तो आप उसे भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक मिक्सी जार में इस मटर को डाल देंगे और हल्का हल्का यहाँ पर मिक्सी को चलाकर इसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए, एकदम महीन नहीं करना है, इस तरीके से मटर आपको दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें हम आधा कप दही लेंगे, ये घर का जमा हुआ फ्रेश दही है। दही आप एक से दो दिन पुराना नहीं लीजिएगा, वरना ये खट्टा हो जाएगा, और इसके लिए आप खट्टी दही मत लीजिएगा। इसी के साथ हम दही में डाल देंगे एक चम्मच जीरा और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए, दही हमारी यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है हमने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, तो हमने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है और इसे डाल दीजिए। मैदा के अंदर हम डाल देंगे आधा कप चावल का आटा। चावल को हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसके बाद इसे छान लिया था। घर पे ही चावल का आटा तैयार किया है, आधा कप चावल का आटा। और अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर अदरक डाल देंगे जिसको हमने कद्दूकस करके डाला है। और तो यहाँ पे हमने 8 से 10 कड़ी पत्ता थी, उसे हमने यहाँ पर अच्छे से धो के तोड़ के डाल दिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट ली जाए। और इसी के साथ हमने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और जो मटर को हमने यहाँ पे दरदरा पीसा हुआ था उसे भी डाल दीजिए। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए, अभी धनिया का मौसम है तो ढेर सारी धनिया बहुत सस्ती है, मार्केट में आ रही है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, बैटर में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर हमें लगेगा तो हमें थोड़ा सा पानी और चाहिए, तो हम फिर से थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करेंगे। बस एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ना, इससे हमारा ये जो बैटर है ये ज़्यादा लिक्विड सा नहीं बनेगा। और जब हम इसे बनाएंगे इस नाश्ते को, तो ये ज़्यादा रनिंग नहीं बनेगा और नाश्ता बिल्कुल सेफ में नहीं बिगड़ेगा। देखिए, अच्छे से हमने यहाँ पे इसका घोल तैयार कर लिया है और बैटर हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल आधा चम्मच, यानी 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर हमने डाला है। और वैसे तो हम लास्ट में ही बेकिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन इसमें हम शुरू में डाल देंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, जब तक कि बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है वो सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद देखिए, जो यहाँ पे हमारा ये जो घोल हमने बनाया था वो अच्छे से मिश्रण सेट हो गया है और बहुत बढ़िया से ये फूल भी गया है। तो एक बार हम इसे फिर से मिला देते हैं। हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था जिससे ये बहुत ही फूले फूले और फ्लफ़ी बनेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर हम सारे यहाँ पर इस पकौड़े को यहाँ पर तलेंगे। तो हम यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो उसमें रिफाइंड भी ले सकते हो। और तेल के अंदर यहाँ पे हम इस तरीके से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके से हम बैटर को डालेंगे और इसके पकौड़े बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे मटर बोंडा बना रहे हैं ना, ये सरसों के तेल में काफ़ी बढ़िया लगते हैं खाने में, तो आप इसी तरीके से इसे सरसों के तेल में बनाएं, ये काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगे। और जितनी कढ़ाई में जगह होंगी एक एक करके सारे यहाँ पे बोंडे को हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जब ये एक तरफ से पक जाए तो आप इसे हल्के हल्के हाथों से पलट दीजिए और इसे दूसरी तरफ इसी तरीके से पकने दें। हल्का सा गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आने तक हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। और हमने जो मैदा चावल का आटा डाला है हमें इतना फ्राई इसे तब तक करना है जब तक ये अंदर तक पक नहीं जाते। और देखिए, हल्का सा कलर इसका पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और अब यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से पका लेने के बाद इसे हम तेल में से बाहर निकालेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे कलर इसका चेंज नहीं करेंगे। और बोंडा जो है जब पक जाता है उसके बाद ये ठंडा होने के बाद भी पकते रहता है। तो बस इसे तेल में से बाहर निकाल के इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है और इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। इसी तरीके से दूसरा बैच भी हमने तेल में डाला है, इसे दोनों साइड अलट पलट दीजिए और जब दोनों तरफ से ये पक जाए तो आप इसे तेल में से बाहर निकाल लीजिए। बहुत ही कम समय में, सिर्फ 3 मिनट लगता है इन्हें तेल से फ्राई करने में।
और ये जल्दी से झटपट से बनके तैयार हो जाता है। सर्दियों में जब भी आपको चाय के साथ कुछ नया कुछ मज़ेदार मटर से खाना हो बना के, तो आप इस तरीके से इसे बनाएं। हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया है, आप अपनी पसंद से चटनी या चाय किसी के साथ भी इसे आप खा सकते हो। बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार होता है। घर में जब गेस्ट आ जाएं तो आप हरे ताजे मटर से इसे बनाकर इसे सर्व कर सकते हो। सभी चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होती है, कोई भी सामान हमें बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखने में काफ़ी ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी है, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल किचन हिंदी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी रेसिपीज आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।